सिंगरौली में सपाक्स पार्टी ने लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दाम के विरोध में कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। सपाक्स पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की है। इस दौरान सपाक्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर सरकार के विरोध में जमकर नारे भी लगाए। महंगाई को लेकर सपाक्स के पदाधिकारी जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि केंद्र की सरकार 35 रुपए लीटर डीजल देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन इस समय डीजल 100 रुपए से ज्यादा हो गया है, वहीं पेट्रोल 110 से ज्यादा पहुंच गया है, जिसकी वजह से आम आदमी के उपयोग की हर चीज महंगी हो गई है। आम आदमी परेशान है, महंगाई से मध्य वर्ग के लोग ज्यादा परेशान है। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से परेशान हो रहे लोगों की राहत के लिए केंद्र व राज्य सरकार से सपाक्स पार्टी के पदाधिकारियों ने अनुरोध किया है कि पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए, जिससे महंगाई से आम आदमी को राहत मिल सके। आज सपाक्स पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि देश में जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे देश की आम जनता परेशान है। और पिछले दो वर्षों में जिस प्रकार जिस गति से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार 35 रुपए लीटर डीजल देने को वादा करके आई थी सत्ता में, अब वो 110 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रही है, तो आम जनता की कमर कस रही है। और पिछले दो साल से जिस प्रकार कोरोना में लॉकडाउन में आम जनता वैसे भी खस्ता हाल है, और डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के कारण मतलब घरेलू और रोजमर्रा की जिंदगी के हर सामान दुगने दाम पर बिक रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।